हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल और देखने जा रहे हैं एपिसोड 143 का नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है कि पिछले पार्ट में कैसे दुर्योधन इतने गुस्से में आया था और आकर उन्होंने आग ही लगा ली अपने आग को अपनी साइड पर और कर्ण आ गया अंदर वो उसको बचाने। अगर कर्ण ना आता तो गया था दुर्योधन ऊपर से, जब वो गिरा था उसके कोई चीज सर पर लगनी थी। खैर आगे देखते हैं तो क्या होता है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ मेरा आदेश है अवश्य करो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण, आक्रमण करो। किंतु अग्निस्थान का विचार आप तो पुत्र ये अग्नि को बुझा दो। नहीं पिताश्री, अब प्रश्न इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का नहीं है और साम्राज्य का नहीं है। हाँ अब प्रश्न व्यक्तिगत है। मेरे हृदय में लगे कांटों की पीड़ा तभी दूर होगी जब मैं उन पांचों भाइयों के हृदय को कांटों से बीन दूंगा। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री, उन्हें अपमानित करना है, अपमानित करना है, अपमानित करना है। रूई के गत्ते में पड़ा आग का एक कण जिस प्रकार धीमे धीमे उस रूई के गड्ढे को नष्ट कर देता है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो आग नहीं बुझती है। रूई के एक कण तंतु को जलाती रहती है। ऐसा ही अपमान उनके तन मन और जीवन को जलाते रहना चाहिए पिताश्री, जलाते रहना चाहिए। कैसे लाल हैं पिताजी, व्यवहार किए शरीर का समग्र रक्त सोखने का कार्य तो केवल मामा श्री ही कर सकते हैं जी। हाँ बुलाइए मामा श्री। किंतु आपने उन्हें अपमानित किया इसीलिए वो गांधार लौट गए। मैंने बोला भी था गांधार लौट गए। अच्छा तो लौट गया वो जो गुस्सा देखो सुनने का भी करो वो देखो वो आ गया था। मामा श्री आप मेरा त्याग करके जा रहे? बच्चों के परों में शक्ति आ जाए फिर पक्षी उन्हें खिलाते नहीं। हाँ जी तुम सक्षम हो, अपने मामा श्री को धक्का मार सकते हो। क्यों धक्का मार? अब तुम्हारे मामा श्री के लिए गांधार का मार्ग ही उचित मार्ग। उचित मार्ग चलो सर। मामा श्री जिस हाथ ने आपको धक्का मारा था उस हाथ को काट देता हूं मैं। पर आप जा नहीं सकते आज, आप क्षमा धारण कीजिए मामा श्री और हस्तिनापुर की ओर चलिए। नहीं तो रहने दो बच्चे, रहने दो। इस प्रकार मगर के आंसू बहाना तुमने मुझसे ही सीखा। मगरमच्छ के आंसू। हां जी इसका परिणाम मुझ पर नहीं होगा जिसने सब कुछ सिखाया है। पॉइंट चेक किया मामा श्री, तो आप दंड दीजिए मुझे, आप जो भी प्राश्चित कहेंगे वो करूंगा मैं। यदि आप कहेंगे कि पांडवों के आवास में वर्ष भर उनकी सेवा करूं तो वो भी करूंगा मैं।
पर मामा श्री आप यहां से जा नहीं सकते, मुझे आवश्यकता है आपकी। केवल एक वर्ष नहीं, सारा जीवन यदि सेवा करने का दंड दूं तो भी कम है। कम है तुम्हारे मानी बहुत हुआ शत्रुजा, और ये मेरे अपमान का दंड नहीं होगा। अच्छा फिर केवल तुम्हारी मूर्खता का होगा। अच्छा मूर्ख, जो तुम मूर्ख निकले हो जो किया उधर। मामा श्री रथ का चक्र जब रथ से आगे निकलने का प्रयास करता है तो उसे गिरना ही पड़ता है। रथ को तो दूसरा चक्र मिल जाता है पर चक्र को दूसरा रथ नहीं मिल सकता। ऐसी ही मूर्खता मैंने की है मामा श्री। मामा श्री मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और प्रण लेता हूं, यदि आज के बाद मैंने आपकी बात टाली तो वो मेरी मृत्यु को निमंत्रण होगा। बहुत बड़ा वादा, वचन दे, बहुत बड़ा वचन। मामा शकुनी तभी पीछे जाएंगे, क्योंकि अपना अपमान बहुत गुस्सा उसको भी आया था भाई। मामा श्री मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और प्रण लेता हूं, यदि आज के बाद मैंने आपकी बात टाली तो वो मेरी मृत्यु को निमंत्रण होगा। ना जी ना, हो गया शकुनी फिर से अपने मूर्ख मित्र करण की भांति युद्ध की बात मत करना। अच्छा युद्ध मुझे सदा ही व्यर्थ लगता है, है? तुम जानते हो युद्ध नहीं करने देगा शकुनी, दिमाग का युद्ध। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें कोई मामा श्री हाथ रख दे। मामा श्री मैं इस बार युद्ध नहीं मांग रहा हूं। आंख मीट दी। मैं उन्हें अपमानित करना चाहता हूं। हां जी अपमानित। मनुष्य से उसका सब कुछ छीन लोगे पर गर्व नहीं छीनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कोई नहीं होगा लाभ। ठंड की ऋतु प्रतिवर्ष वृक्षों से उसके पत्ते छीन लेती पर मूर्ख है वो ऋतु जो वृक्षों की जड़े नहीं काटती। इसी कारण प्रतिवर्ष वृक्षों पर फिर से पत्ते उगाते हैं। वृक्ष की जड़ें वृक्ष को अन्न देती।
मनुष्य का गर्व मनुष्य को शक्ति देता है। तुम पांडवों का अपमान करना चाहते हो? फिर उनका गर्व तोड़ने की इच्छा है मेरे बच्चे। अपना सारा क्रोध ठंडा पांडवों की पत्नी पांचाली मोड़ दो। अच्छा, आदि को टारगेट कर रहे हैं पांचाली। कहा था ना पांचाली के ऊपर आएगा। पांडवों का गर्व है, उनका अभिमान पूजना बना रहे हैं। तुम देखा तो पांडवों का जीवन बिगड़ जाएगा। मामा श्री, पांचाली की वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे उसके मुख पर से उस हंसी को नष्ट करना है सदा सदा के लिए। बड़ी प्लानिंग होगी भाई, आप बहुत बड़ी प्लानिंग के बाप बाना माँ। अब देखो कि वहां पर ना कर्ण ने सबसे पहले युद्ध मांगा है और धृतराज ने बोला करो युद्ध, मैं देता हूँ इजाजत। वो आक्रमण तो आप करो उधर, लेकिन आज वो पता शकुनी को था कि हम युद्ध जो है ना वो अभी नहीं कर सकते। यार उनके माइंड में शकुनी है नहीं, वो तो दुशासन बोला है तो वो इधर आए हैं। वो उसने बोला है कि ये सिर्फ मामा श्री कर सकते हैं। भाई मेरे दुर्योधन को भी इलम नहीं था कि शकुनी चला जाएगा गंधार, उसको यही था कि हस्तिनापुर आ जाएगा हमारे साथ। अगर हमने देखा वो पीछे नहीं था। हाँ, दुर्योधन को पता चल जाता ना कि मैंने इतना अपमान किया उनका, तो वो वापस दुर्योधन उसी टाइम चला जाता उनको लेने के लिए। लेकिन वहां पे अगर देखो ना तो उसने ज्यादती भी की थी दुर्योधन ने ना, ज्यादती के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जो उसको धक्का मारा था। और यहाँ तक के जब श्री कृष्ण के साथ वो आड़ फास कर रहा था ना, वहां पे भी वो पीछे से रोक रहा था कि आप मूर्ख पीछे हटे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, गलत कर। लेकिन वो नहीं बाज आया। लेकिन अब मुझे जो है ना उस वक्त भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि जो अगला टारगेट इनका होगा ना वो द्रौपदी जी होगी, क्योंकि वो इनके लिए जो है ना वो जो उसने वो एक आर्डर या मतलब आप कह लें कि एक मशवरा दिया था ना, आप ये कर ले, वो उसको जो है ना वो अब उसका फेस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत एक मतलब के एक भयानक इधर योजना बना रहे हैं ना ये, और उसका माइंड देख लो कि आप पंचाली को टारगेट करें तो खुद ब खुद पांडवों का अपमान हो जाएगा। लेकिन ये कि ये बहुत खतरनाक गेम है इनकी, तो देखते हैं अगले एपिसोड में अब क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।